आज इस श्रृंखला में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ श्री अमरनाथ गुप्ता, जो हमारे डिप्टी एसपी प्रोबेशनर हैं और अभी प्रतापगढ़ में ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए। आज कॉल ऑन के लिए मेरे पास आए थे, तो मैंने सोचा कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जो पीपीएस बनना चाहते हैं, डिप्टी एसपी उत्तर प्रदेश पुलिस का बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स दे सकते हैं। आपका जो करियर है, बड़ा अच्छी शुरुआत की आपने, जेईई एग्ज़ाम किया, उसके बाद का आप स्वयं बताएंगे, और किस तरह का टैलेंट अब डिप्टी एसपी में हमारे यहाँ आ रहा है, कितने प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग और जो ऐसे हैं जिनका कि वर्ल्ड व्यू है, जिन्होंने इंटरनेशनली बहुत सारे विजिट्स किए हैं और उनका जो एक्सपोज़र है वो इस प्रकार का है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक नई संस्कृति आनी शुरू होगी। तो मैं सीधे रुख करता हूँ। अमरनाथ जी, कब ज्वाइन किया आपने? सर, मैंने 16 जून को यहाँ प्रतापगढ़ एज अ ट्रेनी सीईओ ज्वाइन किया है, और उसके बाद से सर मैं आज 26 जून को आपको कॉल ऑन करने के लिए आया हूँ। चलिए सर, ये बताइए कि आपका जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं बेसिकली महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और मेरी जो प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन है वो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। उसके बाद हाई स्कूल और इंटर की एजुकेशन मेरी लखनऊ से रानी लक्ष्मीबाई प्राइमरी मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल से हुई है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन टीएस चाणक्य नवी मुंबई से किया है। तो ये आपने जो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली, जिसमें बीएससी नॉटिकल के लिए आप चले गए, और इसमें जो आईआईटी के लिए भी जो एंट्री की परीक्षा है सेम आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इसके जो सैलरीज हैं वो भी बड़ी अच्छी होती है, बताते हैं मर्चेंट नेवी में जब प्लेसमेंट हो जाता है, तो आपने इधर डिप्टी एसपी में क्यों ज्वाइन करने का सोचा? आपने जॉब की क्या इससे पहले? यस सर, मैंने मर्चेंट नेवी में 5 साल जॉब की है। उसके बाद सर वहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है और पब्लिक से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है, और यहाँ लोगों के बीच में रह के इन लोगों की सेवा करने में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं वहाँ पे, क्योंकि 6 महीने आप शिप पे रहते हैं और 6 महीने घर पे रहते हैं। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी, मेरे पास मौका था तैयारी करने का, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी 2015 से शुरू कर दी थी। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, किस प्रकार का, कोई इससे पहले भी कोई सिविल सर्विसेज में आए हैं आपके परिवार से? नहीं सर, मेरे परिवार से कोई सिविल सर्विसेज में नहीं है। मेरे फादर लेक्चरर रहे हैं और रिटायर हो चुके हैं। मेरी मदर हाउस वाइफ हैं। मेरे ब्रदर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और सर मैं पहला बंदा हूँ जो सिविल सर्वेंट है। अच्छा, कैसे शुरुआत की? इतना एक लंबा गैप हो गया, आपने बीएससी किया, उसके बाद आप 5 साल मर्चेंट नेवी में चले गए, सेल करते रहे, तो वहाँ कैसे आपको इतना समय मिला कि आपने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की? सर, मर्चेंट नेवी में जाने के बाद मेरे मतलब ऐसे मतलब हमेशा सिविल सर्विस की तरफ देखते रहते, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इधर आना है। मतलब एक बचपन में एक तमन्ना थी, लेकिन वो शायद तैयारी करने, शायद मर्चेंट नेवी में और उन सब और सब चीज़ों में दब गई थी। फिर जब मैं मर्चेंट नेवी में गया, फिर मेरे एक सीनियर हैं हिमांशु शुक्ला सर करके, उनका IAS में 91 रैंक हुआ, तो उनको मैं काफ़ी क्लोज था उनसे, तो उनसे मिलने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन मतलब टाइप मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर 2015 के बाद मुझे शिप पे भी, जैसे अपने वर्क काम करने के बाद थोड़ा सा रूम में बैठो तो थोड़ा मौका मिल जाता था पढ़ने का, तो मैंने NCERT से थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट की। फिर उसके बाद 2015 के बाद मैं आके फिर प्रॉपरली मैं रह के पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शनल लेके मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। आपने कितने ये देशों की यात्रा की होगी, कितने पोर्ट टच किए हैं, और क्या अंतर आपको नज़र आया इंडियन पोर्ट्स में और विदेशों के पोर्ट्स के अंदर? सर, मैं लगभग मैंने अभी तक मतलब 25 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, और हर कंट्रीज़ में 2-3 पोर्ट्स, तो मतलब 75 पोर्ट्स मैं अभी टच कर चुका हूँ। मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को छोड़ के मैं लगभग सारी कंट्रीज़ मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स जा चुका हूँ, अंटार्कटिका और आर्कटिका छोड़ के। तो इसके अलावा सर, पोर्ट्स का जो मैंने देखा है, इंडियन पोर्ट्स और फॉरेन पोर्ट्स में, तो इंडियन पोर्ट्स में थोड़ा सा डेप्थ का थोड़ा इशू रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, ड्रेजिंग नहीं हो पाता जैसे हल्दिया पोर्ट्स में है, और यहाँ पे बहुत सारा अभी मैनुअली और सेमी ऑटोमेटिक ही है। लेकिन फॉरेन में, अब जैसे मैं नगोया पोर्ट्स में जा चुका हूँ, वहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक है। मतलब ऐसा होता है कि पोर्ट्स पे हम लोगों को कोई ह्यूमन बींग नहीं दिखता है, मतलब ट्रक्स ऑटोमेटिक रिमोटली ऑपरेटेड आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, मतलब लोड करेंगे कंटेनर्स और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं।
तो मतलब ऑटोमेटिक है वहाँ पे सिस्टम। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रैफिक का भी इशू रहता है, जैसे मुंबई पोर्ट्स में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है कि अगर कंजेशन हो जाता है कभी कंटेनर्स वगैरह अगर लेके जा रहे हैं तो, लेकिन फॉरेन में इस तरह कंजेशंस का इशू नहीं है। फैमिली लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? मर्चेंट नेवी के जो अधिकारी होते हैं, जो उसमें सेल कर रहे हैं, डाक पर हैं या इंजीनियर्स हैं, कैसी रहती है फैमिली लाइफ वो? फैमिली लाइफ थोड़ी सी मतलब अब जैसे लैंड पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे तो काफ़ी डिफरेंट है फैमिली लाइफ वहाँ पे, क्योंकि आप 6 मंथ ऑन बोर्ड रहते हैं तो उस समय तो फैमिली से बस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही रहता है, फ़ोन पे बात हो जाती है और वो सब हो जाता है बाकी। लेकिन उसमें एक और पॉजिटिव चीज़ भी है कि आप बाकी जो 6 मंथ हैं उस समय आप पूरी तरह फैमिली के दे सकते हैं, और बाकी सब और ये इन सब और सब किसी डिपार्टमेंट में आप 9 to 5 जॉब में आप दोनों मतलब फैमिली और जॉब दोनों साथ में कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब एक लाइन है मेहनत मस्ती बारी बारी का, तो मेहनत के टाइम में केवल मेहनत हो पाती है और मस्ती के टाइम में मस्ती, मतलब तो इस तरह का है, एक टाइम पे एक ही चीज़ हो पाती है। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस जैसे सेलिंग करते थे आप, सबसे लंबी सेलिंग कब की? सर लॉन्ग डिस्टेंस मतलब सबसे ज़्यादा मैंने सेलिंग की थी, मैं यू मतलब लगातार हम लोग 15 डेज के अराउंड मतलब इन सी थे हम लोग, यूएस में लॉस एंजलिस से और स्वेज कैनाल होते हुए इधर सिंगापुर को टच किया, मतलब प्रोविजन के लिए रुके थे, और उसके बाद फिर इधर से श्रीलंका होते हुए स्वेज कैनाल होते हुए हम न्यूयॉर्क गए थे, तो मतलब पूरा एक वर्ल्ड का एक राउंड लगाया था, तो वो 15 डेज की सेलिंग थी अप्रॉक्स ये। बाहर जाते होंगे, विदेशों की पुलिस से भी कभी कोई इंटरेक्शन करने का मौका मिला? जैसे हम लोग किसी पोर्ट पे पहुंचते थे तो इमिग्रेशन चेक होता था, तो उसमें पुलिस ऑन बोर्ड आती थी और हमारे जो भी प्रोविजंस हैं वो पूरा चेक करती थी, ऑन बोर्ड कितने लोग हैं उनका डिटेल्स लेती थी। और जैसे यूएस वगैरह में अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक यूएस वीज़ा चाहिए होता है, C-1D वीज़ा होता है जिसको वो लोग चेक करते हैं, जिसके पास C-1D वीज़ा है वही वहाँ के पोर्ट्स में जा सकता है। तो एक बार इमिग्रेशन चेक हो जाता है, जब पुलिस चेक करके चली जाती है उसके बाद ही हमारे कार्गो ऑपरेशंस और बाकी किसी को शोर लीव वगैरह बाहर जाना है तभी जा सकते हैं। तो इनके पुलिस को काम करते हुए देखकर कभी कुछ प्रेरणा मिली कि मैं भी पुलिस अधिकारी बनकर यहाँ हाँ पर कभी जाऊँ? अब एक देख के मोटिवेशन तो रहता था कि मैं भी मतलब इस मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में एक पार्ट बनूंगा तो अच्छा मौका मिलेगा इस तरह की चीज़ों का, जो बहुत सारी जगह मतलब जैसे आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब ब्राइब्स वगैरह भी लेते हैं, तो ये सब देख के लगता था कि ये सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए, तो एक मोटिवेशन तो रहता था कि कभी मौका मिलेगा प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन फाइनली एज अ मौका तभी मिला जब मैंने मूड बना लिया, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब लगा कि मतलब ठीक पुलिस में भी जाना चाहिए। तो इसके लिए आपने जो सबसे पहले जो परीक्षा दी उसके बारे में बताइए, कैसे प्रिपरेशन शुरू की और किस तरीके से आप इंटरव्यू की जो सीढ़ी को पार करते हुए सर्विस में आए, इस जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताइए अपना। सर मैंने यूपीएससी का 4 अटेम्प्ट दिए हैं और मैंने 4 बार मेंस लिखा है, उसके बाद सर मैंने यूपीपीसीएस का 2 बार एग्ज़ाम दिया है, एक बार मैंने इंटरव्यू 2017 में दिया था और 2018 में मेरा मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया था, तो 2018 का मतलब फाइनल सिलेक्शन होने से पहले मतलब थोड़ा प्रिंट मतलब दोस्तों से बात करना, मतलब जो कमियां थी पिछली बार 2017 में जिसकी वजह से नहीं हुई थी उस पर थोड़ा फोकस किया, लोगों मतलब एक ग्रुप बना के स्टडी किया इंटरव्यू के लिए, जिसका काफ़ी हेल्प मिला और फाइनली हो गया। बहुत अच्छा। तो ये आपका जब ट्रेनिंग शुरू हुई उसकी अपनी बताइए कि किस तरह की दिनचर्या रहती थी वहाँ ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में हमारी एक्चुअली मैं टीएस चाणक्या ट्रेनिंग सी चाणक्या से आया था, तो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया थी कि मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किस तरह की ट्रेनिंग होती है, तो दिनचर्या लगभग लगभग उसी उसी तरह की थी। सुबह हम लोग 5 o'clock उठते थे, उसके बाद 5:30 हमारी परेड होती थी, और परेड के बाद हम 7:30 के आसपास आते थे, 7:30 के बाद हमारा 8 o'clock ब्रेकफास्ट 8:30 तक, उसके बाद फिर 9:40 पे फिर फॉल इन होती थी, तो फिर हम क्लास जाते थे, क्लास से फिर 2:10 पे आते थे, फिर शाम को फिर परेड होती थी 3:30, और 3:30 के बाद परेड करके फिर हम शाम को अराउंड 6 o'clock फ्री होते थे, 8 o'clock काउंटिंग होती थी, वापस फिर 9 o'clock 10 o'clock सो जाते थे, फिर यही रूटीन मतलब रहता था, 2 टाइम परेड और क्लासेस। आपको वहाँ एथिक्स के बारे में काफ़ी बताया होगा, जैसा कि आपने बताया कि अन्य देशों में कई जगह करप्शन बहुत है, आपने नाम लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अन्य कंट्रीज़ का। आपको लगता नहीं कि यहाँ भी हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है? जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, एक फेयर सिलेक्शन हुआ, इससे कितनी प्रेरणा लेते हैं कि आप इसी तरह की वर्किंग फील्ड में जाकर करेंगे? सर ये जो जैसे मैंने 2017 और 18 का दोनों दिया था,
तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब लास्ट टाइम भी मेरा हो सकता था, लेकिन शायद कुछ जैसे 18 वाले एग्ज़ाम के जस्ट पहले एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें बहुत सारे ब्राइब्स के चार्जेस भी लगे थे, और उसमें एक लोग सस्पेंड भी हुए थे। तो और उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ उसमें हमारे डिफरेंट स्टेट के लोग आए, और जैसे लोगों से मिला तो मुझे लगा कि ये फेयर सिलेक्शन है। ये काफ़ी मोटिवेशन देता है कि हम जैसे जो लोग मेहनत करके छोटे छोटे स्टेट से, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से, जो मतलब हमारे यहाँ एकदम गांव गांव से लोग आए हुए हैं और काफ़ी मेहनत करके आए हैं, तो देख के लगता है कि नहीं, उनको मतलब हमेशा इस तरह का काम करने से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें भी और जिनको हम सर्व करेंगे उनको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, हमारे जो जो सर्व कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आपकी शुरुआत हो चुकी है, कैसा लग रहा है डिस्ट्रिक्ट में आकर? प्रतापगढ़ बहुत ही बड़का जिला के नाम से पॉपुलर है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं भी वहाँ एसपी रहा हूँ और दो बार रहा हूँ एसपी। वहाँ के बारे में बहुत सारी बातें आप सुनते होंगे, कैसा लगा ज्वाइन करने के बाद जब आपको लगा कि प्रतापगढ़ पहुँच गए आप? सर काफ़ी मतलब चैलेंजिंग स्टार्टिंग में लोगों ने जैसा बताया तो मुझे लगा काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी लास्ट 10 डेज से मैंने भी ज्वाइन किया है, तो लास्ट 10 डेज से जैसा मैं देख रहा हूँ तो मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब चीज़ें, मतलब लोगों की छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैं ज़्यादातर जन सुनवाई में बैठ रहा हूँ एसपी सर के साथ, तो उसमें लोगों की प्रॉब्लम सुन के उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिस थाने की बात है उसको ट्रांसफ़र करना, तो अभी मुझे जितना भी लगा अच्छा लग रहा है। अभी मतलब एक चैलेंज की तरह लग रहा है कि मतलब हाँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेंगी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि अभी क्या क्या आने वाला है। तो मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ आके सर काफ़ी। आपके एसपी सतपाल अंतिल, यस सर, वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसपी, यस सर, यस सर, और मैं देखता हूँ उनकी कार्यप्रणाली से आप यहाँ प्रतापगढ़ में क्राइम पर बहुत बड़ा चेक लगा है। यस सर, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो आए दिन आती थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, यस सर, यस सर, और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 3 थाने नए बने हैं आपके यहाँ। यस सर। कौन कौन से थाने बना दिए आपने? सर अभी एक दूल्हापुर बना है, जो अभी तेलुपुर, देलुपुर, देलुपुर, और ये सब थाने भी नए नए बने हैं सर लोगों लीलापुर का। आप गए? एक लीलापुर थाना बना है, सर लीलापुर नहीं, अभी सर हाँ नहीं जा पाए हैं। उसे देखेगा। एक दिलीपपुर बना है कंधई में, ओके सर, 3 थानों के जो अभी नई बिल्डिंग में अभी शुरुआत की है, ओके सर, उनकी फंड भी सेलेक्ट आ चुके हैं ओके और सर, नई बिल्डिंग भी बननी शुरू हो गई है, जो ओके पूरी सर, फुल फ्लैश बिल्डिंग बनेगी यस जिसमें सर, बैरक्स होंगे, यस सर, ऑफिस होंगे, लेकिन अभी टेम्परेरी जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं ओके और सर, वहाँ पर काम भी शुरू कर दिया गया। यस सर, आपको चाहिए कि थाने में देखना चाहिए कि थाना शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या क्या बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं यस जिनकी सर, आवश्यकता होती है। जैसे CCTNS कोऑपरेट करने के लिए आपको वहाँ कंप्यूटर की आवश्यकता है, यस सर, बैटरीज की, इन्वर्टर्स यस सर, की, ऑफिस की जगह, फिर यस सर, वहाँ पर हवालात भी होनी यस चाहिए, सर, यस सर, ऑफिस में बैठने की जगह, मैस, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं किस तरीके से मुहैया कराई जाती हैं। आपको चाहिए कि आप वहाँ एक बार दिलीपपुर, जरूर सर, देलुपुर मैं जाऊंगा, और लीलापुर इनका भ्रमण जरूर करें। यस सर, यस सर, मैं अभी जब आपका अटैचमेंट जाऊंगा, होगा, एक थाने का अटैचमेंट आपको होगा यस जिसमें सर, इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा यस थाना सर, अध्यक्ष के यस रूप सर, में, यस सर, ट्रेनिंग के दौरान हम सोचते हैं कि हम पुलिस में ये परिवर्तन करेंगे, ऐसी कौन कौन सी 3 बातें बताइए मुझे कि जो आप एक चेंज लाना चाहेंगे पुलिस की वर्किंग में, जो अभी तक आप सुनते आए हैं और वहाँ मौके पर जाकर जब आपको थानाध्यक्ष बनाया जाएगा तब क्या क्या चेंज करना चाहेंगे? सर पहले तो मैं लोगों की मतलब जो जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि लोग आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि लोग सुना नहीं जाता उनकी बात को, तो मैं एटलीस्ट उनकी बात सुनने की कोशिश करूँगा, पूरा टाइम दूंगा कि आप अपनी बात मतलब जो भी है आप बताइए। उसके अलावा सर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए जो लोग आते हैं उसमें फिर FIR लिख जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी और उसके लिए मतलब बहुत सारे मतलब उनको परेशान किया जाता है, बार बार बुलाया जाता है। तो छोटी प्रॉब्लम के अगर मौके पे पहुंच के उस चीज़ को अगर सामने मैं तुरंत रिजॉल्व कर पाऊंगा तो कोशिश करूंगा मैं खुद जाऊँ और उस चीज़ को तुरंत वहीं पर रिजॉल्व करूँ, ताकि वो बात अगर मैनेज हो सके तो ताकि FIR ना हो, जिससे हमारा क्राइम रेट मतलब कंट्रोल में रहे बहुत ज़्यादा। उसके अलावा सर मैं चाहूँगा कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली अप्रोच करें मुझे, मतलब हर बार वो कहीं बिचौलिए होते बीच में उनके थ्रू थाने में आते हैं और ऐसे दलालों का नाम सुनते हैं, तो वो डायरेक्टली इतना रहे कि वो डायरेक्ट थानाध्यक्ष या किसी से सीधे आके बताएं अपनी प्रॉब्लम कि ये मेरी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा है। एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ 2 चीज़ें आपको थोड़ी सी यूपी पुलिस की जो पहले की कार्य पद्धति थी उससे अलग मिलेंगी। जैसे हर एक थाने में आपको मिलेगा साइबर हेल्प डेस्क, यस सर, फिर मिलेगा महिला हेल्प डेस्क। यस सर, यस जब सर, आप थानों पर जाते हैं किस तरह की प्रभावशीलता उसमें नज़र आ रही है आपको? सर काफ़ी अच्छा है साइबर हेल्प डेस्क और ये महिला हेल्प डेस्क अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं। तो साइबर हेल्प डेस्क आजकल सर साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए लोग मोबाइल का कुछ मतलब किसी फेक नंबर से कॉल आ रहा है, परेशान हो गया। अभी कल मैं जन सुनवाई में बैठा था, एक मतलब एक महिला आई थी, उनको किसी कॉल से बार बार परेशान कर रहे थे,
तो उनको शायद पता नहीं होगा, तो इनको तुरंत इन्फॉर्म किया, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है आपके कॉल रिलेटेड तो आप थाने में जाकर साइबर ट्रिबल्स में कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल है सर, क्योंकि फ्यूचर में ये सारे क्राइम्स बढ़ने वाले हैं अभी भविष्य में। और इसके अलावा सर, जो महिला हेल्प डेस्क है, तो महिलाओं की प्रॉब्लम्स आजकल, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, या कोई भी महिला की, बहुत सारी चीज़ें मीडिएशन से सॉल्व हो सकती हैं, तो महिला हेल्प डेस्क में काफ़ी हेल्प होती है वो महिलाओं की। या फिर कोई मेजर क्राइम भी है अगर, तो महिलाएँ सीधे बात करके उनकी प्रॉब्लम को जान सकती हैं सर। इससे मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल है और फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। अभी फुट पेट्रोलिंग जब आप करते हैं शाम को या व्यस्त इलाकों में, किस तरह का वहाँ पर पब्लिक में कैसा माहौल बनता है, उसे पब्लिक किस तरह सोचती है इस बात का? सर इस तरह के करने से मतलब पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस आता है कि कोई है हमारे, मतलब हमेशा, और एक दो लोग, एक अच्छे, नॉर्मली समाज में दो लोग होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं और दूसरे बुरे लोग। तो अच्छे लोगों को ये रहता है कि हाँ, हमारे सपोर्ट के लिए पुलिस यहाँ खड़ी है और जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ है। और बुरे लोगों में एक डर बनता है कि अगर हम कोई क्राइम या कुछ भी करेंगे, गलत करेंगे, तो ये पुलिस और हमको ये करने नहीं देगी, हमारे साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, अंत में मैं जानना चाहूँगा आपके क्या स्टेटस क्या है, अभी शादी हो गई है या नहीं, क्या सर इरादा? अभी मेरी, मतलब जस्ट मेरे 15 दिन पहले इंगेजमेंट हुई है, और मेरी इंगेजमेंट मेरे ही बैचमेट के साथ हुई है सर। चलिए फिर तो यूपी पुलिस में दोनों डिप्टी एसपी एक साथ चलना, पोस्टिंग भी एक साथ हो जाया करेगी, तो यस ये एक और एक मिलकर 11 हो सर, जाएंगे। यस सर। बेहद अच्छा। अब मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सिविल सर्विसेज के लिए जो PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स बताइए कि किस तरीके से आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर, एक मेहनतकश होकर, और उसके बाद आपने जिस तरीके से क्रैक किया इस एग्ज़ामिनेशन को, बाकी लोग भी कर सकते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे? इसमें प्रिपरेशन के लिए एक लगन चाहिए, मतलब अगर आपको तैयारी कर रहे हैं और आपको, आप पूरी तरह से लगन से लगे हुए हैं, मतलब एक एक टाइम टेबल हो या जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें लगे रहिए। जनरली होता क्या है कि एक दो अटेम्प्ट देने के बाद लोगों का नहीं होता, तो लोग और सारे ऑप्शंस देखने लगते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि ये करना है, तो एक रूटीन है, एक एग्ज़ाम है, और कोई एक, जैसे बुक्स बहुत सारे मत फॉलो कीजिए, दो तीन बुक्स जो इंपॉर्टेंट है जो भी आप पढ़ते हैं उसको एक बार नहीं, चार बार पढ़िए, पांच बार पढ़िए। बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, आप अगर सेम मटेरियल्स को 10 बार पढ़ेंगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में। चलिए, थैंक यू, और मेरी यस सर, थैंक शुभकामनाएं। आप यू डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में बहुत अच्छा करें, सर, यस और सर, एक बहुत ही अच्छे, ऑनेस्ट, निष्ठावान अधिकारी के रूप में आपकी ख्याति हो। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, और बढ़िया से कीजिए, जो भी ट्रेनिंग आपको जो भी ओके बताया सर, जाए, सबसे जो अच्छे मार्गदर्शन लेते रहिए यस जितने भी सर। वरिष्ठ अधिकारी।